ये रही कार, अभी बाहर निकालेंगे इसको। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 दिसंबर और आज है वेनसडे। टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल गया रहेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी फटाफट से निकलते हैं और मैं आपको डीलरशिप पे पहुँच के दिखाता हूँ अभी। So guys, अभी जस्ट महिंद्रा शोरूम पे पहुंचे और आपको अभी मैं दिखाता हूँ आगे खड़ी है अपनी कार। अभी तो पेपर वर्क बाकी है तो पेपर वर्क करेंगे पूरा, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा कलर है। वो आपको पता चलेगा जब हम लोग पर्दा हटाएंगे। अभी फिलहाल ऊपर चलते हैं। मिनी ट्रक भी है, वाह। ये वाली थार एकदम स्टॉक है, एकदम बोले तो एकदम ही स्टॉक है ये। इसकी हाइट भी काफ़ी कम है, इसके एलॉयज भी नहीं है, देख सकते आप लोग। तो अभी बस कलर रिवील होने वाला है। 3, 2, 1 ये है फुल स्टॉक थार, वाइट कलर, बहुत रेयर कलर है ये। आपको कभी रोड पे इतना आसानी से दिखने नहीं वाला है। रेयर व्हील ड्राइव है ये, 4x4 नहीं है। वैसे भी सिटी में इतना अपने को ज़रूरत भी नहीं। फर्स्ट टाइम बाहर निकलने वाली है कार, अभी आप लोग देखो। हम लोग टायर शॉप पे पहुंच चुके हैं। सो गाइस, अभी शोरूम से आ चुकी है सीधा टायर वाले के इधर। सबसे पहले हम लोग बदलने वाले इसके एलॉयज। अभी आप देख सकते हो ये स्टॉक एलॉयज जो भी आते हैं कंपनी की तरफ से, अभी इसमें लगने वाले हैं बड़े वाले एलॉयज। साथ ही साथ जो भी मॉडिफिकेशंस करनी है, अभी पूरी स्टॉक है गाड़ी। और आप लोग अभी देखोगे कि कैसा इसकी हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और आगे की ग्रिल सब चेंज होने वाली है। अभी बने रहिए वीडियो में। ऐसे रियल लाइफ में देखते तो थार काफ़ी ब्रॉड है, आप दूसरे गाड़ी के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी एकदम ब्रॉड दिख रही है। अभी सारे टायर्स चेंज करेंगे और सारे अलॉयज चेंज करने वाले अभी। बास्केटबॉल खेल रहे थोड़े यार। अपने स्टॉक टायर्स और एलॉयज 18 इंच। देखा जाए तो थार के एलॉयज इतने भी बड़े नहीं जितने अपने को लगते हैं, बस इसका टायर साइज बहुत बड़ा है तो उसका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आ गया अपना एलॉय। ये वाले एलॉय ज़्यादातर सब थार में लगाते हैं और काफ़ी फेमस एलॉय है ये।
अभी इस पर टायर फिट करने वाले हैं और ये मशीन काफ़ी यूनिक है इनकी। और टायर साइज जो लगने वाला है वो है 275 20 इंच, और इस पर हम लोग लगाने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ब्रांड के टायर जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अभी टायर पे ये कुछ लगा रहे हैं जिससे शायद फिटिंग में आसानी होती है और टायर जल्दी फिट हो जाता है। तो ये आ गया अपना टायर और बस अब मशीन पे लगेगा और एलॉय पे फिट हो जाएगा। टायर साइज़ थोड़ा बड़ा है ना इसलिए इनको शायद लगाने में दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, बैठ जाएगा टायर, लग तो रहा है। हाँ बस लगने ही वाला है और बस लग गया। तो गाइस आप लोगों ने देखा अभी कैसा 20 इंच के टायर को लगाने कितनी दिक्कत हो रही थी। वैसे अभी तो लगाने का प्रोसेस तो सेम है, आप लोग ने देख लिया। अभी चारों टायर जब हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको जब फिटिंग करते टाइम दिखाता हूँ। और अभी तो फिलहाल 6:30 बज रहे हैं यहाँ पर, और 6:30 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है अंधेरा हो गया, रात हो गई है पूरा। मेरे को तो लगता है रात होगी, 2-3 घंटे और तो लगेंगे क्योंकि अभी तक तो टायर ही हुआ है सिर्फ, इसके बाद अभी फिटिंग्स भी बाकी है। वैसे तो फिटिंग्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सब तो फटाफट हो जाती है। काफ़ी रात हो चुकी है, एलॉयज तो इसके लगे नहीं अभी, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। अभी हम लोग पहले जो भी फिटिंग्स है इसके, जैसे कि अभी टेल लाइट हो गया तो अभी वो चेंज कर रहे हैं, तो देखो आप आगे प्रोसेस कैसा है। ये आ गई अपनी लाइट, चालू करता हूँ, ये रही फुल ब्लैक स्मोक्ड लाइट। जो लाइट होती है ना एकदम स्नग फिट होती है, तो एकदम कपलर टू कपलर एकदम हो जाएगा। ये निकल गई हमारी टेल लाइट्स और एकदम डायरेक्ट फिट हो जाएगी अभी। सर राइट लेफ्ट भी रहता है क्या दोनों? तो दोनों का राइट लेफ्ट भी चेक करना पड़ता है। ये आ गया अपना दूसरा लाइट, देख सकते हैं अब लाइट लग चुकी है। हाँ ब्रेक लगने के बाद ऐसा, ये देखो इंडिकेटर मस्त लग रही है। तो एक टायर लग चुका है, ये वाला स्टॉक है देखो आप लोग, और आगे वाला देखो कितना बड़ा है। अभी वो भाई हटेंगे तो आपको दिखाता हूँ, ये देखो आगे वाला क्या मस्त दिख रहा है यार, इससे हाइट भी कितना ऊँची हो गई और टायर इतना बाहर है कि स्पेशल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 275 का टायर है ये, कम होगा 200 होगा कुछ, क्या पता। तो गाइस एलॉयज लग चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हो फाइनल लुक। अभी ये साइड का लगा है, वो साइड का लगना एक टायर का बाकी है। वैसे आप लोग देख के बता सकते हो कार कैसी लग रही है अपनी, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखो एलॉयज, ये खास स्पेशल ऑर्डर पे हम लोग ने मंगवाया ये लोग को बोलकर। और अभी वो साइड का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। टायर लग चुका है और उसके ऊपर मोटो मैक्स का पॉलिश लग रहा है और साथ ही एलॉय पूरे चमक रहा है। इसका लुक तो लाइट में सही दिखता है यार। एक एलॉय जो ऐसे ही हम लोग फिट कर दे रहे हैं, क्योंकि क्या है 4 एलॉय आए थे इनके पास, कल ऑर्डर देंगे तो 5वां वाला भी आ जाएगा, तो कल लगवा देंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलते हैं आगे की ग्रिल चेंज करते हैं। इसका ग्रिल निकाल दिया अभी पूरा और नया ग्रिल ये वाला लगाएंगे, अभी दिखाता हूँ आपको रूबीकॉन स्टाइल ग्रिल। ये आ गई रूबीकॉन ग्रिल, अभी काफ़ी लेट हो चुका है यहाँ पर, करीब 11:30 हो चुका है और अभी मैं सोच रहा हूँ चले जाऊँ। और अभी तो ये पूरा मेरे को लगता है 1-2 बजे तक काम होते रहेगा,
तो आपको मैं फाइनल एक बार हो जाने के बाद कल दिखाता हूँ कि जितनी भी मॉडिफिकेशन हुई है। तो अभी तो मैं चलता हूँ। सो गाइस ये देख सकते हो आप लोग, फाइनल बनने के बाद ये दो तीन दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ और आपको मैं पूरी मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ, मतलब पूरा आज हम लोग ने क्या क्या चेंज किया है इसमें। तो पहली बात तो देखो, आप हम लोग ने टेल लाइट्स पूरी बदल दी है इसके, और आगे पीछे दोनों आप लोग ने जैसे देखा। और ये वाले एलॉयज हैं आप लोग देख सकते हो, ये मतलब एक आते हैं जो रूबीकॉन में लगते हैं, ये थोड़ा उसके नीचे वाले, मतलब वो वाला हम लोग को अभी अवेलेबल नहीं था तो ये लगा दिया हम लोग ने। और साथ ही साथ मैं आगे से आपको दिखाऊँ तो ये हम लोग ने ग्रिल चेंज किया इसका, और मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। अंदर से इसमें आर्मरेस्ट लगा हुआ है और आप पीछे देख सकते हो यहाँ पर आर्मरेस्ट लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आर्मरेस्ट लगवाया है हम लोग ने। और उसके बाद छोटी मोटी जो भी चेंजेस है, मतलब सीट कवर तो अभी है इसमें ओरिजिनल, बाकी अभी बात ही है, इसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन होगी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। बाकी ये वीडियो आप देख सकते हो जो मैंने शूट किया था, और इसकी लाइट्स भी हमने चेंज करी थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट है यार, सुबह में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। तो बाकी इतने ही मॉडिफिकेशंस थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही कोई वीडियो में, बाय।